कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का आज निधन हो गया। कल सुबह निगम बोध घाट पर राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस खबर से सभी सदमे में हैं। मगर साथ ही ये जानना भी जरूरी हो गया है कि राजू श्रीवास्तव की मौत का कारण क्या था। इस वीडियो में जानिए पूरी बात। 10 अगस्त को सुबह राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था। इसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उनके सिर का सीटी स्कैन किया, उनके दिमाग के हिस्से में सूजन मिली। करीब 15 दिन बाद जानकारी मिली कि उन्होंने अपना एक पैर मोड़ा था, लेकिन उन्हें होश नहीं आया और उनका ब्रेन भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। राजू की एंजियोप्लास्टी भी हुई। इसमें पता चला कि हार्ट के एक बड़े हिस्से में 100% ब्लॉकेज है और अब खबर आई है कि उनकी डेथ हो गई है। ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस ब्लड क्लॉटिंग की वजह क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके क्या खतरे हो सकते हैं। इस बारे में सभी को जान लेना ज़रूरी है ताकि समय रहते इसका इलाज कराया जा सके। आप जान लीजिए कि हार्ट ब्लॉकेज के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। पहला, लगातार या बार बार सिर में दर्द होना। दूसरा, बेहोशी या चक्कर आना। तीसरा, सांस का तेजी से फूलना। चौथा, सांस लेने में दिक्कत आना। छाती में दर्द की शिकायत होना। काम करने पर थकान महसूस होना। गर्दन, जबड़े, गले या पीठ में दर्द होना। पैरों और हाथों में दर्द होना। कमजोरी या फिर ठंड लगना। अब आपको ये जानना भी जरूरी है कि हार्ट ब्लॉकेज के कारण क्या होते हैं। दरअसल दिल तक जाने वाली खून की नसों में ब्लॉकेज के कारण जब ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है तो हार्ट तक ब्लड आसानी से नहीं पहुंचता। इससे हार्ट को दोगुनी गति से काम करना पड़ता है। कई बार हमारा हार्ट ये प्रेशर, ये दोगुनी गति से काम करने की स्थिति झेल नहीं पाता और फेल हो जाता है। इसके अलावा फैट, कोलेस्ट्रॉल और अन्य हानिकारक पदार्थों के कारण भी ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज आ जाती है। और जब दिल में मौजूद कोरोनरी आर्टरीज की दीवारों में कफ ज़्यादा जमा हो जाता है तो उससे भी ब्लड फ्लो में दिक्कत होने लगती है और हार्ट ब्लॉकेज की परेशानी सामने आती है। आप लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना बहुत 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 ध्यान रखें। अगर इस वीडियो से थोड़ी भी जानकारी आपको मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।